अपनी का लव सिंह क्लास टेंथ यूपी बोर्ड। हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, तीसरा सॉरी पढ़ रहे थे राजस्थान। राजस्थान हम लोगों ने पढ़ लिया था और सवैये पढ़ लिए थे राजस्थान जी के। आज पढ़ेंगे कवित्व। देखिए कवित्व एक ही दिया हुआ है, क्या दिया है कवित्व। गोरज बिराजे लाल लहलही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावन मृदुपानी। गोराज बिराजे, गोरज मतलब होता है गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल। गोरज, गो मतलब गाय, रज मतलब धूल, गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल। बिराजे मतलब सुशोभित होना, सुंदर दिखाई देना। लहलही माने शोभायमान हो रही है, लहलही माने शोभायमान हो रही। बानी मतलब वाणी, बानी मतलब वाणी। और यह तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी। चितवनी माने होता है दृष्टि, क्या होता है दृष्टि यानी देखना। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहराने में। बिटप, बिटप माने वृक्ष, बिटप माने वृक्ष। तटनी, तटनी माने यमुना, तटनी माने यमुना। पट माने वस्त्र, पट माने वस्त्र। अटा मतलब अटालिका यानी अटारी, अटालिका यानी अटारी। तपनी मतलब ताप दुख क्लेश, ताप कहें दुख कहें, ये चाहे ताप कहें चाहे दुख कहें। देखिए इसमें राजस्थान जी ने कृष्ण के मन लौटते हुए, जब वह वन से गायों के चराकर वापस लौटते हैं श्री कृष्ण जी, उस समय का वर्णन है। गोराज बिराजे भाल लय लही बनमाल, आगे गैया गाछे ग्वाल गावन मृदु बानी। इसमें भी गोपियां जो है एक दूसरे से बातें करती हैं, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती हैं एक दूसरे से। तो एक गोपी दूसरी से क्या कहती है, देखिए एक गोपी दूसरे से कहती है, गोराज बिराजे भाल लय लही बनमाल, आगे गैया पीछे गावे मृदु बानी। एक गोपी दूसरी से कहती है कि श्री कृष्ण का वर्णन कर कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर, श्री कृष्ण के माथे पर गोरज अर्थात गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। श्री कृष्ण के माथे पर गायों के पैरों से उड़ी हुई जो धूल है वह सुशोभित यानी सुंदर दिखाई दे रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानी, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानी। उनके वक्ष स्थल पर, उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। गोराज बिराजे लाल नहीं बनमान मतलब, बनमान मतलब फूलों की माला। उनके वक्ष स्थल या ये कहें कि उनके गले में फूल वन के फूलों की माला लहरा रही है। उनके आगे आगे गाय चल रही है और पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। उनके आगे आगे क्या करें, आगे आगे दैया गावे पीछे मृदु बानी। आगे आगे गाय चली और पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। वे मधुर और गावे मृदु बानी, वे मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं, वह मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी। जैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी। जितनी मधुर और उनकी, देखिए आगे क्या करें, कहे जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है। जैसी धुनी बांसुरी की मधुर जैसी, जैसी कहे उनकी मधुर, जैसी उनकी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, उतनी ही बाकी और धीमी उनकी मुस्कान है। क्या कहें, जितनी मधुर और बाकी यानी वो जब एक ऐसे धीरे से मतलब दूसरों की तरफ दृष्टि डालते हैं, ऐसी दृष्टि डालते हैं लोग उनकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं, आकर्षित होते चले जाते। वही कह रहे हैं कि ऐसे चितवन है उनकी, जिसे धीमे धीरे चितवन है वह धीरे धीरे फिर मुस्कुराते हैं और उनकी मधुर छवि के अनुरूप। और बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रही, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसे, कह रहे हैं कि उनकी चितवन है उतनी ही बाकी उनकी धीमे धीमे मुस्कान, उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी की धनु भी। जिस प्रकार उनकी सुंदरता है, जिस प्रकार उनकी सुंदरता है या चितवन है या मुस्कुराहट है, उसी प्रकार वह धीरे धीरे बांसुरी की ध्वनि भी मधुर मधुर है। तात्पर्य यह है कि उनका रूप और उनके देखने का ढंग तथा उनकी बांसुरी ध्वनि सब मधुरता से परिपूर्ण है। अर्थात कहा जाए तो
कहा जाए तो उनका रूप, उनके देखने का ढंग और उनकी माधुरी, कृष्ण की सुंदरता, सब तीनों चारों जो चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, इतनी ध्वनि सब मधुरता से एकदम परिपूर्ण है। कदम मिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीठ फहरानी रे। क्या करिए गोपी करिए, हे सखी तू अट्टालिका पर चढ़कर, तटनी अटा मतलब अटालिका या अटाली पर, तू अटालिका भई अटाली पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट, कदम के वृक्ष के निकट यानी नीचे यमुना के किनारे पर, तटनी के तट यानी यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना देख, फहराना तो देख, श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख। वह रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाता हुआ क्या कह रहे हैं, रस बरसावे तन तापनी बुझावे ने, क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को तो देख वह रस बरसाता हुआ है, वह रस बरसा रहा है अर्थात आनंद बरसा रहा है, तन की तपन को बुझाता हुआ, तन की तपन को बुझाता हुआ और प्राणों को मोहित करता हुआ इधर ही आ रहा है, प्राणों को मोहित करता हुआ इधर आ रहा है। ये क्या था, श्री कृष्ण जब गाय चराकर गाय बनवा और ग्वाल वालों संग वापस लौटते हैं, धूल से भरे हुए गायों के पैरों की उड़ने वाली धूल से उनके माथे पर धूल कह रहे हैं बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, जैसे जैसे उनकी चितवन है यानी वो जिस प्रकार आप चिता देखते हैं दूसरी तरफ दृष्टि डालते हैं और उनकी मुस्कुराहट है जिस प्रकार, और उसी जिस प्रकार मुस्कुराहट उसी प्रकार उनकी मधुर मधुर बांसुरी की ध्वनि है, कह रहा है इन सब कलाओं से वह परिपूर्ण है, इन सब कलाओं से वह परिपूर्ण है। वही सखी कह रही है अगर इनकी ऐसी सुंदरता यानी शोभा को देखना है तो आओ अटारी पर चढ़ चलें और वहाँ से इनकी सुंदरता को हम लोग देखते हैं और अपने मन की दुख को कम करते हैं या अपनी तपन को शांत करते हैं। फिर से एक बार थोड़ा समझ लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा इसको। कवित्व गोरज माने बताया था, गोरज माने पैरों की, गाय के पैरों की धूल, गो मतलब गाय, रज माने होता है धूल, गाय के पैरों की धूल, विराजय मतलब सुशोभित होना, विराजय मतलब सुशोभित होना, लहलहाना मतलब शोभायमान हो रही है, वाणी मतलब वाणी, वाणी माने वाणी, चितवनी माने चितवनी मंद मन उसमें, चितवनी माने दृष्टि यानी देखना, बीटप माने वृक्ष, तटनी माने यमुना, पट माने मस्त, अटा माने अट्टालिका, तपनी माने ताप दुख क्लेश। फिर से देखिए अच्छे से समझिए, गोरज विराजे भाल ले रही बनमाल, आगे गैया ग्वाल गावे मृदुवाणी रे। देखिए एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर, श्री कृष्ण के माथे पर गायों की धूल भरी हुई अत्यंत सुशोभित हो रही है, अत्यंत सुशोभित हो रही है लहलही वनमाल, और उनके गले में, और उनके गले में वन के फूलों की माला अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है, अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुवाणी रे, उनके आगे आगे गाय चल रही है और पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं, गावे मृदुवन और वे मधुर गीत गा रहे हैं, और वे मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं। तैसी धुनि, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवती मंद मंद मुस्कानी रे। देखिए क्या करें, उनकी जिस प्रकार चितवन है, जिस प्रकार मुस्कान है मुस्कुराहट है धीरे धीरे, और धीमे से मुस्कुरा लेते हैं और धीमे से दृष्टि चारों तरफ डाल लेते हैं, उसी प्रकार उतनी ही मधुर वह धीरे धीरे बांसुरी अपनी बजा रहे हैं, उनके धीरे धीरे उसी प्रकार बांसुरी की ध्वनि निकल रही है, या ये कहें कि उनके बांसुरी की ध्वनि उतनी ही मधुर है जितनी उनकी चितवन है और उनकी मुस्कुराहट है। देखिए कदम बिटप के निकट तकनी के तक, बिटप माने वृक्ष बताया था, कदम माने कदम का पेड़, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी, हे सखी तू अट्टालिका पर चढ़कर, हे सखी तू अट्टालिका यानी अटारी पर चढ़कर कदम के वृक्ष के नीचे और यमुना तट के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना देख, श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना देख, वह
वह रस की खान अर्थात सबको आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण जो रस बरसा रहे हैं, उन बरसाते हुए यानी श्री कृष्ण को रस बरसाते हुए अपने तन की तपन को बुझाता हुआ, अपने तन की तपन बुझाता हुआ और प्राणों को मोहित करता हुआ, अपने तन की तपन को बुझाता हुआ और प्राणों को मोहित करता हुआ इधर ही आ रहा है। प्राण रिझावे व आवे रस खाने रे, वह इधर ही आ रहा है। तो ये था आपका कवित्व, बहुत अच्छा चैप्टर था कवित्व, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रिविजन फिर से कर लीजिएगा। अब देखिए, अब वैसे इससे पहले वाला क्या था सवाई, उसको पढ़ा दिए थे हम, उसको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, फिर से थोड़ा सी रिवीजन करा देते हैं एक बार और ताकि आप लोगों को आ जाए अच्छे से सवाई। क्या था सवाई, थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिए, अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जब पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मचारन। रसखान जी अपनी अभिलाषा यानी कृष्ण जी के पास में रहने के लिए, अपने रहने के लिए अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, यानी अपनी इच्छा, अभिलाषा मतलब इच्छा है। रसखान जी कहते हैं कि मृत्यु पश्चात यदि मेरा पुनर्जन्म होता है अर्थात यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लेता हूँ तो बसों ब्रज गोकुल वाला तो मैं ब्रज के गांव अर्थात गोकुल में निवास करना चाहता हूँ। मेरी कामना है कि मैं गोकुल गांव में निवास करूँ। जब पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नितनान। यदि मेरा पुनर्जन्म पशु के रूप में होता है, किस रूप में, पशु के रूप में होता है तो मेरे वश का नहीं है, यानी मैं पशु के रूप में हो भी जाता है तो मेरे वश का यह नहीं है, लेकिन फिर भी पशु रूप में होगा तो यह मेरे वश का नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा के गायों के बीच में रहना चाहता हूँ। कहने मतलब यह है अगर भगवान मुझे पशु बनाता है तो मेरा वश नहीं है कि मैं पशु ना बनूँ। अगर फिर भी मैं भगवान मुझे पशु बना ही देता है तो मैं क्या नंद बाबा के गायों के बीच में रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो करछर लुक बंदर। पाहन यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मैं उस पर्वत का बनना चाहता हूँ। यदि पाहन मैं पत्थर, गिरी मतलब पर्वत, यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उस पर्वत का बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण अपनी एक उंगली से, मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली से छाती की तरह, छत्र मतलब छाती की तरह उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंदी के फूल कदम की डारन। जो खग, यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में होता है, खग माने पक्षी, यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में होता है तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे स्थित कदम की डाल पर निवास करूं। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे कदम की डाल पर निवास करूं। कहने का मतलब ये रसखान जी किसी भी तरह श्री कृष्ण के दूर नहीं जाना चाहते हैं, वो श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। ये था पहला। अब है अगला, दूसरा है। आज गई होती भोर ही हों, रस खानी रही वही नंद के भाव नहीं। वाक्य जियो जुगला करोड़ जसो मती को सुख जात कहे नहीं। देखिए, गई दुती हुई मतलब गई थी, भोर मतलब प्रातः काल, हों मतलब मैं, रही मतलब प्रेम में डूब गई, वाको मतलब उसका, जिठौनी मतलब जिठौना यानी नजर लगाने लगाया जाने वाला टीका, जिठौना मतलब बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के यहाँ माथे पे काला टीका लगा देते हैं, वही हमेरनी मतलब हमेरनी हार मतलब गले में पहनने वाले आभूषण, हमेरनी हार माने गले में पहनने वाले आभूषण। जीव मतलब जी या प्राण, छौनई मतलब पुत्र को। देखिए क्या है, आज गई पुती होर ही हों रस खानी,
रही वही नंद के भौने। एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई आज सवेरे सवेरे में नंद बाबा के घर गई, नंद जी के घर गई। वाक्य जियो जो करोड़ जसो मती सुख जात पहा, उनके पुत्र श्री के लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, जिये लाखों करोड़ों वर्ष तक जिये। ऐसे पुत्र को प्राप्त करके क्या करें, जसो मती सुख जात कहे नहीं, ऐसे पुत्र को प्राप्त करके यशोदा माता के सुख, यशोदा माता को जो सुख मिला है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। करें ऐसे सुख को यानी श्री कृष्ण के को बालक के रूप में पाकर, ऐसे बालक को पाकर माता यशोदा की सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है कि वह कितनी प्रसन्न रहती हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौनी, बनाई बनाई बिठौनी, डाली हमेलनी हार निहारत वारत जो कुछ करत समानी। देखिए अपने पुत्र माता यशोदा अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर और माथे में काला टीका लगाकर और भौवें बनाई, भौवें सवार कर और उनके गले में आभूषण उनके गले में पहनने के आभूषण डालकर यानी तैयार करके पूरी तरह से वो माता यशोदा को बार बार देख रही निहार रही हैं। उन पर बलिहारी जा रही हैं, बलिहारी मतलब न्यौछावर कर रही हैं और अपने पुत्र को कुछ गाती हैं यानी दुलारती हैं बुलाती हैं। देख क्या करें, कहें कि तेल लगाई लगाई व्यंजन माता यशोदा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की आंखों में काजल लगाकर उनकी भौवें संवार कर और उनके माथे पर काला टीका लगाकर आंखों में काजल लगा दी हैं, डाल और गले में आभूषण पहनाकर बार बार उनको निहारती हैं, श्री कृष्ण को निहारती या देखती हैं और बड़े प्रेम से फिर दुलार करके उनको कुछ करती हैं, अपने पास बुलाती हैं यानी खेल में मग्न हैं। देखिए आगे है तीसरा है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीली कछुटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीली कछुटी। धूरी भरे यानी धूल में भरे हुए, एक सखी दूसरी सखी फिर से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहती है, कहती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तैसी बनी सुंदर और उनके सिर पर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है, सी एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है, कह रही है श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं और उनके सिर पर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है और उनके सिर पर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीली कछुटी। वह खेलते और खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं, श्री कृष्ण छोटे बालक पूरे आंगन में खेलते और खाते घूम रहे हैं उनके, और क्या करें, पग पैजनी बाजती पीली कछुटी, उनके पैरों में पायल बज रही है, उनके पैरों में पायल बज रही है और वह पीला कच्छा धारण किए हुए हैं, यही कहेंगे पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। वह छवि रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, वह छवि रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले जो माखन उठी। क्या कहें, श्री कृष्ण की ऐसी सुंदरता को देखकर, श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव करोड़ों कलाओं, या ये कहें कामदेव करोड़ों सुंदरताएं भी उस पर क्या है, नौछावर है, किस पर, श्री कृष्ण पर। कहें कहा ऐसी सुंदरता, श्री कृष्ण की ऐसी सुंदरता को देखकर कामदेव की भी करोड़ों कलाएं या करोड़ों सुंदरताएं समझिए उस पर नौछावर है, नौछावर कर देते हैं। काल के भाग बड़े सजी मतलब सखी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हे सखी वह कौवा बहुत भाग्यशाली है या भाग्यवान है,
जिसने श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीनकर भाग गया है। वह कौवा बहुत भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी लेकर भाग गया है। ये था तीसरा, रिवाइज हो रहा है। अब चौथा है, जा गिनती वह नंद का छोरा या बन भेनु चराए गयो, मोहनी तानी गोधन गावत बेनु बजाए बिझाई गयो हो, वह दिन सो कछु टोना सौ को रसखानी ही में समाई गयो, को न काहू की कान करे शिवरो ब्रजवीर बिकाए गयो। जा गिनती क्या कहें, जिस दिन से एक गोपी अपनी दूसरी से यानी एक सखी दूसरी सखी से फिर कहती है, क्या कहती है कि जिस दिन से वह नंद का लाला यानी नंद का पुत्र श्री कृष्ण ईश्वर में आकर गाय चराकर वापस गया है, गाय चराकर अपनी गायों को चराकर अपनी और अपनी बंसी बजाकर क्या कह रहे हैं कि जा तुंती नंद का छोरा या धेनु बन धेनु चराए गयो, या जिस दिन से एक सखी दूसरी से सखी से क्या करी, जिस दिन से नंद का छोरा यानी नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण ईश्वर में गाय चराकर और बंसी की सुंदर सुंदर मधुर मधुर तान सुनाकर हमें जाकर चला गया है। मोहनी तान गोधनी गावत बेनु बजाए गयो, मोहनी तानी गावत सुंदर सुंदर बांसुरी से सुंदर सुंदर ध्वनियाँ बजाकर हमको अब क्या कर लिया है, रिझा लिया है यानी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। वह दिन से कछु टोना सौ पर रसखानी ही में समाये, उस दिन से ऐसा लगता है किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना सा कर दिया है, उस दिन से ऐसा लगता है जैसे उसने यानी श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया है यानी कोई मंत्र पढ़ दिया है, कोई जादू कर दिया है। रसखानी ही में समाये गए, वह हमारे हृदय में इस प्रकार समा गया है, वह हमारे हृदय में इस प्रकार समा गया जैसे कोई हमारे हृदय में क्या कर दिया है, जादू टोना या कोई मंत्र पढ़ दिया है। ओ न काहू की कहानी करे शिवरो ब्रज वीर बिखाए गए, ओ न काहू की कार कोई किसी का कहना नहीं मानता है, अर्थात उस दिन से ऐसा वो रिझा कर चला गया है, ऐसी बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि सुनाकर चला गया है कि सब उसकी ओर इतना आकर्षित हो गए हैं, को काहा की न करे को किसी का कहना नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे सबरो शिवरो ब्रज वीर, ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा ब्रज उसके हाथों बिक गया है, अर्थात वो जो कहता है वही सब होता है। जैसे ही वह बांसुरी की ध्वनि बजाता है, मधुर मधुर ध्वनियाँ बजाना शुरू कर देता है, सब उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। क्या करें, करें कि को न कहो कि कहानी करें शिवरो ब्रज वीर बिकाए गए, वो किसी कहना नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे सारा ब्रज श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात सब उसी के वश में हो गए हैं, अब जो सीखे से कहते हैं वही होता है। देखिए अगला नेक्स्ट है, काना भय बस बांसुरी की अब कौन सही हमको चाहिए, निर्धौस रहे संग संग साथ लगे या सौतिन तापन क्यों सही है। फिर से एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, हे सखी श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं, श्री कृष्ण जो हैं काना भय बस बांसुरी के, श्री कृष्ण जो हैं बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमको कौन चाहेगा और हमको कौन प्रेम करेगा। निर्धौस रहे संग साथ लगी या सौतिन तापन, यह बांसुरी रात दिन श्री कृष्ण के साथ रहती है, रात दिन श्री कृष्ण के साथ रहती है, इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को सहन हम लोग कैसे करेंगे। इस यानी बांसुरी को लोग क्या कह रही हैं गोपियाँ, सौतन कहती हैं कि इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम लोग कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को रसखानी सदा हमको सहयो, जिन मोह लियो मनमोहन को रसखानी सदा हमको, जिसने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, जिस मोह लियो मनमोहन को इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को क्या कर लिया है, मोहित कर लिया है, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, क्या करेंगे करें, जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया वह बांसुरी अब रात दिन हमें जलाती रहेगी, रात दिन हमें जलाती रहेगी, या ये कहेंगे सदैव हमें जलाती रहेगी। मिल आओ सभी सखी भाग चली अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, हे सखी आओ मिलकर हम सब यहाँ से भाग चलें, हे सखी आओ हम सब मिलकर यहाँ से भाग चलें, अब तो ब्रज में
बांसुरी ही रहेगी। क्या कह रही हैं, हे सखी आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल बांसुरी ही रहेगी और कोई रहने वाला नहीं है। देखिए आगे है लास्ट, मोर पखा सिर पर ऊपर रखियो, गुंज की माल घरे पहरेंगू। इसमें गोपियां जो है श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण की लीलाओं पर मतलब धारण करती, स्वांग रचाती हैं, श्री कृष्ण की लीलाएं कर रही हैं। वहीं मोर पखा से ऊपर रखियो, गुंज की माल घरे पहनूंगी। वो एक गोपी क्या कहती है, मैं तुम्हारे संकेत पर, कहती है मैं तुम सबके कहने पर मोर के पंख अपने सिर पर धारण करूंगी, गुंज की माल गरे पहनूंगी और गुंज की माला यानी गुंजों की माला अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी पर बोधन गोवर्धन संग पीनूंगी, और पीताम्बर ओढ़कर लकड़ी यानी लकुटी यानी लकड़ी या लाठी लेकर मैं जंगल में गायों और ग्वाल वालों के बीच घूमूंगी या उनके साथ साथ मैं भी चलूंगी। भवतो वही मेरु रसखानी सो तेरु गाय सब स्वांग रचाऊंगी। हो तो भाई तुम्हारे कहने बहन क्या कह रही, कोई भी कहती तुम लोग कहती हो तो मैं श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ, श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ। हो तो वही मेरी यानी जो जो श्री कृष्ण को भाती हैं अच्छी लगती हैं वो सारी लीलाओं को मैं करने के लिए तैयार हूँ। परंतु यह मुरली मुरलीधर की अधराधन धरी अधर न धरो, परंतु यह मुरली क्या है, यह मुरली श्री कृष्ण की है, परंतु यह मुरली श्री कृष्ण की है जिसे श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर लगाया, अधर मतलब होंठ, होंठ जिसे श्री कृष्ण ने अपने होंठों पर इसे लगाया है, इस बांसुरी को मैं अपने होंठों पर नहीं लगाऊंगी। कहने का मतलब यह कि गोपियाँ जो हैं बांसुरी से सौतिया व्यवहार करती हैं, सौतन वाला व्यवहार रखती हैं, अतः वे श्री कृष्ण की सभी लीलाओं करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरह वो बांसुरी को धारण करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें बांसुरी से बहुत चिढ़ होती है, ईर्ष्या होती है। तो ये था आपका रसखान चैप्टर समाप्त। इसमें आपको इस चैप्टर में कॉपी में क्या क्या करना है, रसखान जी का जीवन परिचय लिखना है, उनकी साहित्यिक परिचय लिखना है उनका, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी भाषा शैली क्या है, ये सब आपको लिखने हैं। इसके अलावा आपको इनके दिए गए पदखंडों को संदर्भ सहित व्याख्या करना है। देखिए बताते हैं क्या क्या करना है। जीवन परिचय उनका जन्म कब और कहाँ, उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई, ये सब करना है जीवन पर, और उनकी रचनाएं लिखना है और भाषा शैली, ये इतना करना है। ये तीनों इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, और फिर जितने पद दिए गए हैं पदखंडों का, ये तो पहला क्वेश्चन समझ लीजिए हो गया, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, समस्त पदों का संदर्भ व्याख्या, संदर्भ संग व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ये इतना करना है। पहले रसखान का जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली, फिर समस्त पदों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। इतनी चीजें आपको करना है।
ये चीजें आप लोगों को करना है कॉपी में, इसको कंप्लीट करिए। जब भी स्कूल खुलेगा आपकी कॉपियां देखी जाएगी। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत क्या क्या लिखना होता है? काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हमें लिखना होता है कि जिस पद का लिखेंगे उस पद में रसखान जी ने क्या चित्रण किया है, किस चीज का वर्णन किया है। एक लाइन तो ये हो जाएगा। फिर उस पद की भाषा क्या है, उसमें रस कौन सा है, उसमें छंद कौन सा है, उसमें अलंकार कौन सा है, और उसमें गुण कौन सा है। जो जो आपको आता रहेगा वो चार पांच चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रसखान, तीसरा चैप्टर आपका समाप्त, तीसरा चैप्टर आपका समाप्त समाप्त हो गया है। अब अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तीन चैप्टर समाप्त, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए कॉपी में सभी लोग। ओके, अब अगले दिन।